नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम हमारी अगली कविता यानी कि बसंत गीत जो कविता है वो कविता हम देखने वाले हैं। इस कविता में जो भी वर्णन दिया है वो हम इस वीडियो में हम पूरा सविस्तर से जानने वाले हैं। हमारी बसंत गीत ये जो कविता है, इस कविता में वसंत ऋतु आने के बाद जो जो परिवर्तन होता है, निसर्ग में जो जो घटनाएं घटती है, प्राणी वनस्पति पशु पक्षी जो भी है उन सब में जो उत्साह या फिर जो खुशी वहाँ पे छाई रहती है वो सारा का सारा वर्णन हमें इस बसंत गीत के कविता में दिया गया है। तो चलिए हम कविता में क्या क्या दिया है सविस्तर देखते हैं। बसंत गीत। चंद्र प्रकाश जी का यह गीत है। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी अलग अलग रचनाएं हैं, उनमें ख्याल, ऊपर और ऊपर ये लघु कथा है, देन उसके बाद टेलीफिल्म गीत, बाल गीत आदि उनकी रचनाएं हैं। उनका परिचय यहाँ पे दिया है। चंद्र प्रकाश जी यानी कि चंद्र जी एक कवि है, वो लेखक भी है, निर्देशक भी है, अभिनेता भी है और बहु प्रतिभा के वो धनी है, मतलब उनके पास बहुत सारे यहाँ पे गुण है। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं में लेखन भी किया है। प्रस्तुत गीत यानी कि जो बसंत गीत है उसमें क्या दिया है कवि ने, तो वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, उसका प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास यानी कि आनंद जो भी है वो सारा का सारा यहाँ पे दर्शाया है। तो चलिए हम यहाँ पे वसंत ऋतु से कौन कौन सा परिणाम होता है, बसंत ऋतु का कौन कौन सा प्रभाव यहाँ पे और सब कैसे उल्लास यानी कि आनंद से रहते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गावो रे ऋतु बसंत सजी आयो। सजी आयो रे मतलब क्या कि सजना अभी आया है, कौन आया है, ऋतु बसंत सजी आयो, अभी ऋतु बसंत यानी वसंत ऋतु अभी यहाँ पे आया है। अजी गावो रे ऋषि बसंत सजी आयो, चलो हम मिल के गाते हैं। अजी गावो रे मतलब अजी हम मिल के अभी गाते हैं कि ऋतु बसंत आया है। यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बसंत ऋतु आया है तो उन्हें बहुत खुशी हो रही है, ये गाना सब बोलते हुए बोल रहे हैं कि सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, कि सजना यहाँ पे ऋतु बसंत आया है और चलो अजी हम अभी मिल के गाना गाते हैं बसंत ऋतु का। कली कली करत कलोल कुसुम मंद 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 मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। कली कली करत कलोप, कली यानी कि क्या सबको पता है, फूल होने से पहले जो भी वहाँ पे रहता है उसे हम कली बोलते हैं। कली कली करत कलोल, वो कली क्या कर रही है, कलोल कुसुम मंद, वो वहाँ पे कुसुम मंद अच्छा ध्वनि वहाँ पे आवाज उत्पन्न करनी है। मंद मंद मुस्कायो, मंद मंद मुस्का रही है, धीरे धीरे हवा डोल रही है। गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुराए, वो कली का जब फूल में रूपांतर होता है तो वहाँ पे जो मधुमक्खी है वो गाना गुनगुनाती है और गाना गुनगुनाते हुए मंद मकरंद चुरायो, फूलों के अंदर जो मधु रस रहता है, अच्छा रस रहता है, वो वहाँ पे चुरा लेती है या फिर निकाल लेती है, कौन निकाल लेती है, मधुमक्खी। फिर से कवि बोल रहे हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गावो रे ऋतु बसंत सजी आयो। फिर से कवि क्या बोल रहे हैं कि चलो ऋतु बसंत आया है, हम आनंद से गाना गाते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गावो रे ऋतु बसंत सजी आयो, हम गाना बोलते हैं यहाँ पे, चलो गाना शुरू करते हैं कि ऋतु बसंत अभी यहाँ पे आया है। बन बन बाग बाग बगियान में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गावो। क्या बोल रहे कवि यहाँ पे, बन बन बाग बगिया जो भी बाग है, जो भी बगीचे है, उस बगियाने में क्या है, सुहानी सुगंध मतलब अच्छी से सुगंध यहाँ पे फैली हुई है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, यहाँ पे मयूर यानी कि मोर जो है वो मोर यहाँ पे ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। गीत कोयलिया गावो, और कोयल यहाँ पे गाना गा रहे हैं। कवि क्या बोल रहे हैं कि जितने भी बने हुए बाग बगीचे हैं या फिर बगियान है वहाँ सब फूलों का सुगंध वहाँ पे फैला हुआ है और मयूर यानी कि मोर वहाँ पे ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं और कोयल वहाँ पे अच्छे से गीत गा रहे हैं, ऐसे कवि यहाँ पे बोल रहे हैं।
फिर से कवि बोल रहे हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गावो रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि क्या बोल रहे हैं कि बसंत ऋतु आया है तो हमें मिलजुल के यहाँ पे गाना बोलना है, तो चलो आओ हम गाना बोलते हैं। पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अम्बुआ में अम्बुआ पे छायो, हरी हरी मटर बिछोनी ऊपर अमित रंग बरसायो। पीली पीली सरसों से फूली यानी कि सरसों का फूल जो है वो भी फूले हैं। अरु बौर अम्बुआ पे छायो, बौर मतलब क्या, जिसे हम नॉर्मली मोहर बोलते हैं यानी कि आम का फूल बोलते हैं, वो अरु बौर, और बौर क्या है वो भी आम के पेड़ पे छाया हुआ है। हरी हरी मटर बिछौनी ऊपर अमित रंग बरसायो, तो हरी हरी मटर भी यहाँ पे क्या है, बिछा है, मतलब हरे भरे मटर के खेत भी यहाँ पे भरे हैं। कवि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सरसों की खेती भी हो गई है, आम के ऊपर भी फूल आ गए हैं, मटर भी यहाँ पे बिछ गई है, और सारा का सारा यहाँ पे रंगी बिरंगी हुआ है या सब जगह पे रंग फैला हुआ है यहाँ पे। तो फिर से कवि बोल रहे है, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि क्या बोल रहे हैं कि सजी यहाँ पे अभी आया है, कि आओ आप भी आओ, ऋतु बसंत आया है और हमारे साथ हम सब मिल के यहाँ पे आनंद से ऋतु बसंत का स्वागत करते हैं, उसका गाना गुनगुनाते हैं। यह यहाँ पे कवि ने क्या दिया है, कवि ने यहाँ पे सारे के सारे प्राणियाँ जो भी है और इंसान जो भी है सबको यहाँ पे उल्लास हो रहा है, सबको आनंद होता है बसंत ऋतु आने से। तो बसंत ऋतु आने के बाद क्या परिवर्तन होता है, कली का फूल में रूपांतर होता है, उसके बाद मधुमक्खी अच्छे से सुंदर गाना गाती है, फूलों का रस लेती है, बाग बगीचे में सुगंध फैलता है, मयूर नाचते हैं, कोयल गाना गाती है, और उसके बाद सरसों की खेती भी फूलने लगती है। ये सब जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कवि ने इस कविता में दिया है या फिर इस गीत में दिया है, उसका प्रभाव क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे इस कविता में देखा। और प्राणियाँ यहाँ पे प्राणी पशु पक्षी बसंत ऋतु आने के बाद बहुत खुश होते हैं, बहुत उल्लास उनमें छाता है, ये भी यहाँ पे दिया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। इस कविता में हमने जो कुछ भी वर्णन दिया है वो हमने यहाँ पे सविस्तर देखा है। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।